देश की सुरक्षा के लिए आतंकियों के खात्मे का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट में 2014 से लेकर साल 2018 तक सुरक्षा कर्मियों ने 800 आतंकवादियों को ढेर किया है। लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने एक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों ने साल 2014 से साल 2018 तक 800 आतंकियों को मार गिराया है, जिनमें से 2018 में सबसे ज्यादा 249 आतंकवादी मारे गए थे। बता दें कि इस साल 119 आतंकियों को मारा जा चुका है। श्रीपद नाइक ने बताया कि सुरक्षा बल LOC पर हो रही घुसपैठ को रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और उनके नापाक इरादों को रोकने में भी कामयाब हो रहे हैं। सुरक्षा बलों के लगातार चलाए जा रहे तमाम अभियानों के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में आतंकी मारे जा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि सेना ने भारत पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन पर कड़ा और निर्णायक जवाब भी दिया है। आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री श्री कृष्ण रेड्डी ने भी इस बात की लिखित जानकारी राज्यसभा में दी है। सेना सीमा पर शून्य तापमान जैसी कई चुनौतियों के बावजूद भी दिन रात आंखें झपके बिना आतंकियों के उनके नापाक मंसूबों को रोक रही है और अपने देश के नागरिकों की रक्षा कर रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कश्मीरी युवाओं को आतंक के रास्ते से कैसे बचा जा सके और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए, इसके लिए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से बैठक की थी और एक मास्टर प्लान भी बनाया था। न्यूज़ डेस्क।